हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एलिगेंट ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप क्लास 10th के एनसीईआरटी का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशंस को देखेंगे। एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 4 पार्ट्स है। तो क्वेश्चन है यहाँ पर कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये जो भी स्टेटमेंट्स है, इस स्टेटमेंट्स को पढ़ करके क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखना है और इसका सॉल्यूशन नहीं करना, सॉल्यूशंस करने के लिए नहीं कर रहा है। इससे पहले के वीडियो में आपको एक्सरसाइज 4.1 से ही क्वेश्चन नंबर 1 में जो टोटल 8 पार्ट्स है तो सभी का सॉल्यूशंस को प्रोवाइड कराया जा चुका है। हम उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट को समझते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 स्क्वायर मीटर। The length of the plot is one more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. क्या कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया दिया हुआ है हमको 528 मीटर स्क्वायर। आगे है कि लेंथ है ना, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज, इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो लेंथ है वह क्या है कि ब्रेथ से दोगुने से वन अधिक है। तो हमको यहाँ पर क्या करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को यहाँ पर फ्रेमिंग करना है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, तो हम सबसे पहले लेट कर लेंगे। लेट क्या करेंगे कि द लेट बी द ब्रेथ इज टू बी एक्स मीटर। इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का हम ब्रेथ लेट कर लिए एक्स मीटर। तो इसके इन्फॉर्मेशन से क्या है यहाँ पर कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट, तो लेंथ क्या हो जाएगा है ना, द लेंथ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या है कि वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ मीन्स ब्रेथ तो हम यहाँ पर एक्स लेट किए थे, ठीक है, तो टू टाइम्स मीन्स क्या हो जाएगा, तो टू एक्स, और यहाँ पर क्या दिया है कि वन मोर देन, तो ये जो लेंथ हो गया, तो लेंथ हो गया कि ना टू एक्स प्लस वन, और ब्रेथ को तो हम क्या लेट किए हैं, तो एक्स लेट किए हैं। तो हमको यहाँ पर अब क्या करना है कि इक्वेशन को फ्रेमिंग करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, अगर हम इसको यहाँ पर लिखें एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो हमको दिया हुआ 528, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 528 इज इक्वल टू, अब लेंथ है यहाँ पर कितना, तो लेंथ है 2x प्लस वन, और ब्रेथ क्या है, तो ब्रेथ लेट किए हैं x। अब इसको सॉल्व कर देना है, तो 528 इज इक्वल टू 2x² प्लस एक्स, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस 528 को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो क्या होगा कि 2x² प्लस एक्स माइनस 528 इज इक्वल टू 0, और यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस गिवन इन्फॉर्मेशन का हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, दो लगातार धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हम इसको कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या करेंगे कि हम लेट कर लेंगे यहाँ पर कि लेट बी द फर्स्ट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर एक्स एंड एक्स प्लस वन, ठीक है, एक है x और दूसरा है x प्लस वन। कंसेक्यूटिव मीन्स क्या, तो कंसेक्यूटिव मीन्स लगातार, जैसे कि 10 है तो उसके बाद क्या होगा 11, 3 है तो उसके बाद क्या होगा तो 4, तो उसी तरह से यहाँ पर 1 पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लेट कर लिए x, तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस वन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट है ना, तो दोनों का प्रोडक्ट मीन्स क्या कि x इंटू x प्लस वन, और ये हमको क्या दिया हुआ है, तो ये हमको दिया हुआ है 306, तो इसको हम सॉल्व कर देंगे। अब तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306। तो अब यहाँ पर ये 306 को हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306, और यही हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ द एजेज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360,
वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज। तो क्वेश्चन कह रहा है कि रोहन की माँ का उम्र रोहन के उम्र से 26 ईयर्स अधिक है। अब से 3 साल बाद दोनों के उम्र का प्रोडक्ट मीन्स दोनों के उम्र का गुणनफल 360 होगा। इसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूप में हमको लिखना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि लेट कर लेंगे कि लेट बी दी रोहन्स एज इज इक्वल टू एक्स ईयर्स। रोहन्स का जो एज है उसको हम एक्स ईयर्स लेट कर लिए। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रोहन की माँ का जो उम्र है वह रोहन के उम्र से 26 ईयर्स अधिक है। इसका मतलब क्या कि इसकी मदर का जो एज होगा वह कितना होगा, तो एक्स प्लस 26 ईयर्स, ये होगा इसकी मदर का एज। अब है कि 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो अब से 3 ईयर्स बाद एज क्या होगा, तो आफ्टर 3 ईयर्स रोहन्स एज, रोहन का जो एज होगा, तो रोहन का तो एक्स ईयर्स है और अब से 3 साल बाद तो इसका जो उम्र होगा वह होगा एक्स प्लस 3 ईयर्स। ठीक उसी तरह से कि आफ्टर 3 ईयर्स उसकी माँ का जो उम्र होगा, तो माँ का उम्र कितना, तो मदर्स का जो एज है वह कितना, एक्स प्लस 26 ईयर्स, और अब से 3 साल बाद तो इसकी माँ का जो उम्र होगा वह एक्स प्लस 29 ईयर्स। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि इसका जो प्रोडक्ट है ना, इस दोनों के एज का जो प्रोडक्ट है वह है 360। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो दोनों के एज का प्रोडक्ट मीन्स एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू, और प्रोडक्ट दिया हुआ हमको यहाँ पर 360। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स का मल्टीप्लाई एक्स प्लस 29 से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 29x, फिर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 3x अब प्लस 87 इज इक्वल टू 360। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस 360 को हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x, और यहाँ पर क्या होगा कि 87 माइनस 360, तो प्लस 87 अब माइनस 360 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 32x और माइनस 360 अब प्लस 87, तो यह होगा 273 इज इक्वल टू 0। और यही इस क्वेश्चन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है, ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से चलती है। आगे है कि यदि उस रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होता तो क्या होता कि उतना ही दूरी है ना, मीन्स क्या, 480 किलोमीटर की ही दूरी को कवर करने में उसको 3 घंटे का समय अधिक लगता। तो इसी को क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूप में लिखना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि स्पीड ऑफ ट्रेन को हम लेट कर लेंगे कि एक्स किलोमीटर पर आवर है ना, लेट दी स्पीड ऑफ ट्रेन भी एक्स किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस तो हमको दिया हुआ यहाँ पर 480 किलोमीटर, तो टाइम इज इक्वल टू क्या, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो इस तरह से डिस्टेंस कितना है, तो 480, यानी कि टाइम जो हुआ वह हुआ 480, और बाय यहाँ पर स्पीड कितना है, तो एक्स किलोमीटर पर आवर, तो ये हो गया एक्स आवर। ठीक है, अब सेकंड केस हम इसका देखते हैं। तो सेकंड केस क्या कह रहा है कि इफ दी स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो केस सेकंड में इसका स्पीड क्या हो गया, तो पहले तो स्पीड था यहाँ पर एक्स किलोमीटर पर आवर, तो 8 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर लेस हो रहा है स्पीड, तो लेस हो रहा है इसका मतलब क्या कि एक्स माइनस 8 किलोमीटर
पर आवर। तो यहाँ पर क्या करेंगे और आगे देखते हैं कि क्या कह रहा है यहाँ क्वेश्चन कि हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो ये यहाँ पर क्या है, टाइम है, ठीक है, इससे 3 घंटा अधिक लग रहा है। तो 3 घंटा अधिक लग रहा है मीन्स क्या कि 480 अब बाय एक्स अब प्लस 3, तो ये क्या हो गया, ये हो गया टाइम, ठीक है, ये टाइम हो गया और ये हो गया स्पीड। और डिस्टेंस तो क्या है, सेम डिस्टेंस है यहाँ पर, तो डिस्टेंस यहाँ पर लेंगे 480 किलोमीटर। डिस्टेंस इज इक्वल टू 480 किलोमीटर। अब फिर से इसी फॉर्मूला पर हम पुट करते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस है 480, ठीक है, और स्पीड कितना, तो इसका जो स्पीड आया तो स्पीड है यहाँ पर x माइनस 8 है ना, ये क्या है, तो स्पीड इसका 8 km/h इसका डिक्रीज हो रहा है, मतलब कम हो गया। तो स्पीड यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 8 और इंटू टाइम, तो टाइम यहाँ पर क्या है 480 बाय x प्लस 3, 480 बाय x प्लस 3। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 480 इज इक्वल टू क्या करेंगे कि x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस दोनों से, तो x इंटू 480 बाय x प्लस 3x, ठीक है, उसके बाद माइनस 8 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 480 से, माइनस 8 इंटू 480 और बाय x, ठीक है, फिर माइनस इंटू प्लस, तो क्या होगा माइनस 24। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये x x क्या हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, तो 480 इज इक्वल टू 480 प्लस यहाँ पर क्या है 3x माइनस, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई यहाँ पर 0 और फिर ये यहाँ पर 3840 बाय x माइनस 24। फिर क्या करना है यहाँ पर कि 3x, ये तो हम जैसे कि 480 को हम इस ओर ले आएंगे माइनस 480, ठीक है, फिर इस माइनस 24 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, तो ये क्या होगा प्लस 24, और इधर राइट हैंड साइड में क्या हुआ, तो 3x माइनस 3840 बाय एक्स। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये क्या हो गया, तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि एलसीएम लेते हैं किसका, तो ये यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या 1 है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये होगा एक्स, फिर 3x² और माइनस 3840, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं इसको, तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 24x इज इक्वल टू 3x² माइनस 3840। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम कि 24x माइनस 3x² प्लस 3840 इज इक्वल टू 0। इस तरह से इसका अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो क्या होगा 3x² माइनस 24x और माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या होगा इसका फाइनली, तो फाइनली इसका होगा 3x² माइनस 24x और माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। और यही इस क्वेश्चन नंबर 4 का इसका क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन हुआ। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो कृपया लाइक कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।